दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक हलवा बनाने का नुस्खा बताऊंगा। डरिए मत, ये एक मेडिकल चैनल ही है, कुकिंग चैनल नहीं है। लेकिन ये हलवा उन लोगों के लिए जो या तो शादीशुदा हैं या फिर कुंवारे हैं, लेकिन उन दोनों को सेक्स से संबंधित कोई ना कोई समस्या है, या तो तनाव नहीं आ पाता है, वीर्य मनी पतली हो गई है, और जब वीर्य पतला हो जाता है तो रगड़ के साथ जल्दी से निकल जाता है, सोचते ही ख्यालों में निकल जाता है, शुरू करने से पहले ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंडीशन ऐसी खड़ी हो जाती है जहाँ पर मेल पार्टनर इंजॉय नहीं कर पाता है, और जो फीमेल पार्टनर है वो तो आपसे खुश होगी ही नहीं, क्योंकि जब आप उन्हें साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो कोई फायदा नहीं है इस क्रियाकलाप का। तो हलवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो पेनिस में तनाव ना आने की समस्या है, वीर्य जो पतला हो चुका है, उस समस्या से आपको निजात मिल जाता है। और जैसे सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, लाजवाब नुस्खा। साथ ही सेक्स की बात हटा दें, जो लोग ताकत चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं, नॉर्मल भी या फिर महिलाएं भी हैं वो ताकत शरीर में चाहती हैं, तो भी इस हलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हलवा बनाना सीख लेते हैं। तो हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए मूंगफली की 20 गिरी, और इसमें इतना दूध हम डालेंगे जो ये जो 20 मूंगफली की गिरी है वो उसमें भीग जाए या डूब जाए। अब 4 घंटे तक इस दूध में 20 जो गिरी है मूंगफली की उन्हें भीगी रहने दें, और 4 घंटे के बाद उसे ग्राइंडर में डालें, मिक्सी में डालें, उसे ग्राइंड कर लें या पीस लें। यहां पर आपको एक पेस्ट मिलेगा। अब इस पेस्ट का क्या करना है, देखिए इस पेस्ट को आपको एक पैन में डाल करके चलाना है, हल्की आंच पर, तेज मत कर देना वरना जल जाएगा, हल्की आंच पर चलाना है। कब तक, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, हलवे जैसी शेप ना ले ले, तब तक आप इसको चलाते रहें। जैसा गाढ़ापन इसके अंदर आता है वैसा ही गाढ़ा आपका वीर्य, आपकी मनी, आपका सीमेन हो जाता है। अब क्वांटिटी आपको पहले ही पता है, मैंने बताया 20 मूंगफली की गिरी और दूध उतना जितनी मूंगफली उसमें भीग जाए, डूब जाए। अब ये हलवे को कैसे इस्तेमाल करना होता है, देखिए आपको इसे हर दूसरे दिन खाना होता है। जैसे आपने संडे में लिया, मंडे में ना ले, ट्यूसडे में ले लें, एक दिन गैप करके अल्टरनेट डे पर आपको इसको लेना होता है। सर्दियों जबरदस्त फॉर्मूला है, दिन में आपको एक बार खाना है, सुबह के खाने के बाद या दोपहर के खाने के बाद। लेना तो आप चाहें शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सुबह या दोपहर के बाद लें, क्योंकि पचने में भी टाइम लेता है। रात को कोई भारी चीज आप खा करके सोएंगे तो पेट में ही पड़ी रहेगी, गैस तेजाब बन जाता है आपको, और जरूरी नहीं है कि डाइजेशन आपका अच्छा हो, तो सुबह या दोपहर में ही इसे आप लें बेहतर रहेगा। सर्दियों मैंने बताया जैसा कि पहले भी कहा है, बढ़िया नुस्खा है, खाना पीना सर्दियों में ज्यादा लगता है तो इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कोर्स कब तक करना है ये आपको बता ही दिया है, बार बार बोल रहा हूँ कि सर्दियों इस्तेमाल करना है, तो जब तक आपको सर्दी का मौसम आपको दिख रहा है, लग रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पढ़ने हैं, चैनल पढ़ने हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ढेर सारी ऐसी ही वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।